हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स महायोद्धा। परीलोक के जाने किस अज्ञात कोने में स्थित यह भयंकर अति भयंकर गुफा, जिसमें उपस्थित प्रत्येक शख्स की आंखों में नृत्य कर रहा था आश्चर्य, सिर्फ आश्चर्य। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, वह आश्चर्यजनक दृश्य जो था उनके सामने, धुएं की मानवा करती लहर आ रही थी जो इन सबको वहां लेकर आई थी। सभी के मस्तिष्कों में खड़ी प्रश्नों की दीवारों को ढहाती चली गई उसकी आवाज। धूम्रकाल हूं मैं मित्रों, धन्यवाद दीजिए मुझे जो मैं तुम सबको अपने धूम्र जाल में फंसाकर अपने ठिकाने तक ले आया, वरना इस समय तुम सब भोकाल और शक्तिशाली के हाथों तो एक दर्दनाक मृत्यु पाकर मृत्यु देवता के सामने बैठे अपने पापों का हिसाब किताब कर रहे होते। तुम्हारी तरह भोकाल मेरा भी शत्रु है, इसलिए हम सब मित्र हैं। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि हम सब अलग अलग प्रयास करके भोकाल का बाल भी पाका नहीं कर पाए हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? सिर्फ इतना कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो भोकाल को खत्म करना कठिन नहीं होगा हमारे लिए। चहकुटा कचरा, भोकाल को खत्म करने के लिए इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो शक्तिशाली ही खत्म कर देगा। हाँ, अभी भोकाल और शक्तिशाली के बीच चलते युद्ध का निर्णय कहाँ हुआ है? वह निर्णय भी जल्दी हो जाएगा। भोकाल के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा शक्तिशाली। कैसे नहीं टिक पाएगा शक्तिशाली? कैसे नहीं टिक पाएगा? शक्तिशाली नाम है उसका, प्रेत योद्धाओं के असीम बल का स्वामी है वह। देख लेना, भोकाल की लाश गिरा कर ही रुकेंगे उसके हाथ। जीत तो भोकाल की ही होगी, नहीं शक्तिशाली ही जीतेगा। बहस का सा माहौल बनता जा रहा था वहां, जिसे शांत किया धूम्रकाल की शांत आवाज ने। बहस नहीं, शक्तिशाली और भोकाल के युद्ध को यहीं देखने की व्यवस्था करता हूं मैं। कुछ पलों में अपने आप पता चल जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। धूम्रकाल के हाथों से निकली उस किरण ने रोशन कर दी एक तरफ की दीवार, जिस पर नजर आने लगा वह हाहाकारी दृश्य। वाह, अब आएगा असली मजा जब मैं भोकाल की लाश को अपनी आंखों से गिरते देखूंगा। महामजा आ जाएगा जब पृथ्वी पर गिरेगी शक्तिशाली की लाश। खामोश होकर देखो इस रोंगटे खड़े करने वाले युद्ध को। सभी की आंखें गोंद की भांति चिपक गई थी वहां, जहां एक दूसरे के खून से होली खेलने पर उतारू थे भोकाल और शक्तिशाली। एक शक्तिशाली था तो दूसरा था महायोद्धा। एक में समाया हुआ था प्रेत योद्धाओं का अपूर्व बल, तो दूसरे में कूट कूट कर भरी हुई थी महागुरु भोकाल की असीम शक्तियां। खून से लथपथ हो चुके थे दोनों, थकान से टूट चुके थे दोनों के शरीर, लेकिन फिर भी विद्युत की तरह चमकते अपने हाथों को जरा भी तो नहीं रुकने दिया था उन जाबाजों ने। उफ, ये भयंकर युद्ध कभी समाप्त होगा भी या नहीं? समाप्ति के पड़ाव के निकट पहुंच रहा वह युद्ध निकट पहुंचा वह युद्ध तो कांप उठी तुरीन। उफ, उन दोनों के उठे अस्त्र नीचे आए तो खत्म कर डालेंगे एक दूसरे को, एक साथ ही समाप्त हो जाएंगे भोकाल और शक्तिशाली। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं शक्तिशाली और भोकाल को एक दूसरे पर अंतिम वार नहीं करने दूंगी। जबड़े भीचे तुरीन ने छोड़ दी किरण जो भोकाल और शक्तिशाली को अपने घेरे में लेती चली गई। और फिर अब शायद उन्हें अपनी गलत फहमियां दूर करने का अवसर मिल जाए। तुरीन के चेहरे पर नजर आ रहा था संतोष, जबकि इधर भाड़ से खुले मुंह वाले चेहरों पर नेत्र कर रही थी प्रश्नों की बारात। तुरीन के हाथों से छूटा हुआ किरणों को गोला कहाँ ले गया भोकाल और शक्तिशाली को? क्या वहां पर भी उनका युद्ध जारी होगा? मुख्य घटना स्थल से दूर कहाँ पहुंचे होंगे वे? अंधकार में है अभी इन सब प्रश्नों के उत्तर, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि ये उत्तर हमारे लिए बेहद विस्फोटक साबित होंगे, इसलिए हमें इस विस्फोट से बचने का कोई उपाय अभी से करना होगा। कैसा उपाय? अपना उपाय बताता चला गया धूम्रकाल, जिसे पूरा सुनकर प्रसन्नता नाचती चली गई हर चेहरे पर। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस हम सबके इकट्ठा होने पर की देर है। इसमें क्या देर है? मिलाओ अभी अपने अपने हाथ। मिले सभी के हाथ, लेकिन अफसोस दिल एक का भी नहीं मिल पाया। एक बार भोकाल से छुटकारा मिल जाए, फिर इनसे भी छुटकारा पा लूंगा। धूम्रकाल के दिमाग के आगे हार माननी पड़ेगी इन सबको। भोकाल के साथ साथ मैं तो इन सबकी मौत की भी तैयारी करूंगी। हाथ मिलाई करने के बाद अब सभी अपनी अपनी शक्तियां इस
उलट खोपड़ी में डालेंगे। परीलोक का यह क्या करना चाहते थे वे? परीलोक का यह पहाड़ी क्षेत्र जो गूंज रहा था आश्चर्य से लबालब भरी इस आवाज से, नहीं ये नहीं हो सकता। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा कहा एक एक शब्द सत्य है शक्तिशाली। तुम्हारे लोक पर गंदगी फैलाने वाला मैं नहीं था। वैवर्षी मेरे रूप में मेरा कोई शत्रु था जिसका उद्देश्य सिर्फ हम दोनों को शत्रु बना देना था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ही है शक्तिशाली। अब अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आगे बढ़कर अपनी भुजाओं से फाड़ डालो मेरा सीना और मेरा लहू बहाकर शांत कर दो। कर लो अपनी प्रतिशोध की ज्वाला। कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा शक्तिशाली और फिर आगे बढ़ा। तो मुझे क्षमा कर दो मित्र। तुम जैसे व्यक्तियों को ऐसे नहीं बल्कि गले लगाकर क्षमा किया जाता है मित्र। दो महायोद्धाओं का मिलन था ये। तुम्हारे खून का प्यासा होकर मैंने जो पाप किया है भोकाल उसका पश्चाताप मैं करूंगा। परीलोक को शैतानों से मुक्त करने के अभियान मैं भी कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। आज के बाद भोकाल के एक बूंद पसीने पर अपना सारा खून बहा देगा शक्तिशाली। धन्यवाद मित्र, तुम्हारे जैसे सहयोगी पाकर मैं धन्य हो गया। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा परीलोक के शैतानों से मुक्त होने में। धीर गंभीर स्वर में बोल उठा भोकाल। लेकिन मुझे सिर्फ परीलोक को ही मुक्त नहीं करना है मित्र, बल्कि उन परी और परों को भी मुक्त करवाना है, करना कराना है जिन्हें उन्होंने किसी गुप्त स्थान पर कैद कर रखा है। हाँ मित्र, लेकिन वह गुप्त स्थान है कहाँ पर जहाँ परी और परे कैद हैं? उस स्थान के बारे में वही शैतान बताएंगे जिन्होंने उन्हें कैद किया है। फिलहाल तो हमें तुरीन के पास पहुंचकर उसे ये खुशखबरी देनी चाहिए। ठीक है, आओ। तुरंत ही शक्तिशाली के साथ हवा में लहरा उठा भोकाल, चिंतित नजर आने लगा। इधर तुरीन फंसी हुई थी एक भयंकर मुसीबत में, क्योंकि उसके सामने खड़ा था वह प्राणी जिसका भयंकरताओं की हर सीमा को पीछे छोड़ रहा था, जिसका रूप भयंकरताओं की हर सीमा को पीछे छोड़ रहा था। सूरमु के हाथों मरने के लिए तैयार हो जा छोकरी। तुम्हारे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर परीलोक की धरती पर बिखरने आया हूं मैं। तेरे सीने में वो आग नहीं है शैतान जो तुरीन के शरीर के टुकड़े कर सके। दहाड़ी तुरीन, चल कपाला। कपाला के विशाल शरीर पर सवार हुई सौंदर्य की देवी तुरीन मौत की देवी नजर आने लगी। तेरे हलक में घुसकर तेरे विनाश का कारण बनेंगे ये मृत्यु गोले। मेरा विनाश? तुरीन से अधिक फुर्तीला और विनाशकारी निकला सूरमू और प्रलंकारी निकले उसके हाथ। कह छोकरी, कौन बचाएगा अब तुझे सूरमू से? तेरी हड्डियों का तो सूरमा बना देंगे सूरमू के हाथ। ऐसा होने से पहले हम तुम्हें धूल में मिला देंगे। तभी दो जबरदस्त वारों ने हिला दिया सूरमू के दिले दिमाग को। शक्तिशाली भोकाल, भोकाल तुम्हीं को तो समाप्त करने के लिए उलट खोपड़ी में आहुति देकर सभी ने मेरा निर्माण किया है। अब मुझे समाप्त करके मैं अपने अब तुझे समाप्त करके मैं अपने निर्माण को सार्थक बनाऊंगा और साथ में समाप्त होगा तुम्हारा ये सहायक भी, क्योंकि इसने मुझ पर वार करने की गलती करके अपनी मौत को दावत दी है। भोकाल और शक्तिशाली को देखकर चमक उठी थी सूरमू की आंखें, जबकि इधर आश्चर्य के विस्फोट हो रहे थे सभी के मस्तिष्कों में। शक्तिशाली और भोकाल एक साथ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है ये, सपना सपना नहीं है, दोनों हकीकत में सामने खड़े हैं। लेकिन ये दोनों एक साथ कैसे? शैतान जाने, लेकिन इन दोनों की संभली शक्ति सूरमू को बहुत भारी पड़ेगी। अब क्या करें? सूरमू शायद उनका मुकाबला ना कर सके। सूरमू कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी दर्जन सेना के 2 वीरों को बुलाता हूँ। चूना, जुलाहा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महायोद्धा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।